इस नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है आइडियल गैस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो गैसेस की क्वालिटीज, उनके प्रॉपर्टीज के बारे में बताएगा। ओके, और जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो से अपनी क्विज का जो कॉम्पिटिशन स्टार्ट किया है उसमें मैं क्वेश्चन करता हूँ, आप लोगों का आंसर देना होता है। तो दोस्तों जो लास्ट वीडियो थी मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसमें मैंने दो क्वेश्चन किए थे। ओके, तो कुछ लोगों के क्वेश्चन आंसर आए हुए हैं, ओके, और सही भी आंसर है, लेकिन उसमें भी एक वहां पे गलती हो रही है दोस्तों, कि क्वेश्चन मैंने दो किए हैं लेकिन एक क्वेश्चन तो कंप्लीटली अच्छे से उसको कंप्लीट करके आया हुआ है, लेकिन जो दूसरा वाला क्वेश्चन है उसका पूरा आंसर नहीं है। ओके, तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो आपने लोगों ने ये आंसर किया है उसको पूरा करें, ओके, न कि आधा छोड़ें। तो एक क्वेश्चन जो आपने सही किया उसका तो मैं यूज कर दूंगा, ओके, ठीक है। तो आपके लिए आगे से एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरा आंसर सही करें और जल्द से जल्द करने की कोशिश करें। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले आइडियल गैस, और चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। टॉपिक आइडियल क्या बताता है कि एन आइडियल गैस इज अ थ्योरेटिकल गैस कंपोज्ड ऑफ मैनी रैंडमली मूविंग पॉइंट पार्टिकल्स। ओके, तो हमारा आइडियल गैस एक ऐसा गैस है जो कि थ्योरेटिकल गैस है, ठीक है, और वो किस चीज का कंपोजिशन होता है, तो मूविंग पॉइंट पार्टिकल्स, ठीक है। मूविंग पॉइंट पार्टिकल्स का हम कैसे एग्जांपल दे सकते हैं दोस्तों, या तो हम किसी स्पेस में रखते हैं, या फिर सपोज मैं कंटेनर या फिर बॉक्स लेता हूं, उसमें अगर जितने भी हमारे मूविंग पॉइंट पार्टिकल्स हैं तो उनका जो कंपोजिशन होता है उसको हम आइडियल गैस बोलते हैं, ठीक है। कुछ और प्रॉपर्टीज होती है, वो क्या है दोस्तों, कि हुज ओनली इंटरेक्शन आर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। जो हमारे मूविंग पॉइंट पार्टिकल्स रखे हुए हैं या फिर कंटेनर में, सपोज ये जो हमारा कंटेनर है इसमें जो मूविंग पार्टिकल्स है मूव कर रहे हैं दूसरी तरफ, ठीक है, तो इसमें जो पार्टिकल्स पॉइंट पार्टिकल्स हैं इनका जो कोलिजन होगा दोस्तों वो हमारा इलास्टिक कोलिजन होगा। तो इलास्टिक कोलिजन क्या होता है दोस्तों, कोलिजन हमारे दो टाइप के होते हैं, ठीक है, एक होता है इलास्टिक कोलिजन और दूसरा होता है इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो कोलिजन एक तरह से क्या बोला जाता है दोस्तों, जब दो चीजों का एक जब टकराव, ठीक है, एक चीज जब दूसरी चीज से टकराती है तो उसको हम कोलिजन बोलते हैं। अब बात अलग है कि जब टकराती है तो उसके बाद क्या होता है, ठीक है, तो वहां पे हमें दो टाइप आते हैं इसके, इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन। तो जब ऐसा कोलिजन, जब जो हमारे पॉइंट पार्टिकल्स या फिर ऑब्जेक्ट टकराने के बाद पुनः अपने पोजीशन में वापस चले जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम इलास्टिक कोलिजन बोलेंगे। और अगर जो हमारा कोलिजन हो रहा है दो पॉइंट पार्टिकल्स के बीच में, जब वो दूसरे को कोलाइड होने के बाद एक दूसरे को छोड़ते नहीं है, ठीक है, उसको हम इनइलास्टिक कोलिजन बोलते हैं, ठीक है। आप इजीली इसको कोलिजन को समझ सकते हैं, इसकी और भी कुछ डेफिनेशन होती है, तो वो आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हाट इज कोलिजन, ठीक है। और दूसरा है कि दोनों जो हमारे पास उसके दो टाइप होते हैं उन दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन करें विद एग्जांपल, उसमें क्या क्या लॉसेज होते हैं हम कैसे बता सकते हैं, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन है दोस्तों, आप नोट कर लीजिए ध्यान से सुन के, ठीक है, ओके। तो द आइडियल गैस कॉन्सेप्ट इज यूजफुल बिकॉज इट ओबे द आइडियल गैस लॉ, ठीक है दोस्तों। जो हमारा आइडियल गैस है ये यूजफुल क्यों है, क्योंकि ये हमारी जो आइडियल गैस लॉ होती है उसको हमेशा सेटिस्फाई करता है। आगे हम देखेंगे आइडियल गैस लॉ क्या है, अभी मैं बस आइडियल गैस की डेफिनेशन के बारे में बात कर रहा हूं, इसलिए ज्यादा थ्योरेटिकली भी बता रहा हूं। अब आगे हम मैथमेटिकल जो टर्म आएगा इसका आइडियल गैस इक्वेशन या फिर आइडियल गैस लॉ उसको बताऊंगा, और अ सिंपलीफाइड इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है, मतलब जो हमारा आइडियल गैस लॉ है उसको तो प्रोवाइड करेगा, मतलब फॉलो करेगा, ठीक है, और उसका जो सिंपलीफाइड इक्वेशन ऑफ स्टेट है उसको भी फॉलो करता है, ठीक है, और एंड इज अमेनेबल टू एनालिसिस अंडर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो दोस्तों यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है अमेनेबल, अमेनेबल का मतलब होता है दोस्तों रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, तो इज टू रिस्पॉन्सिबल टू एनालिसिस अंडर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो आई होप ये जो हमारा वर्ड नया यूज हुआ है, नया आपको वर्ड देखने को मिला है, आपको इसकी
मीनिंग जो लिखनी चाहिए दोस्तों, अमेनेबल मतलब रिस्पॉन्सिव या फिर मतलब जो हमेशा करने के लिए जिम्मेदार होता है इस स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। ठीक है, तो हमारी जो नेक्स्ट जो प्रोसेस होती है उसमें क्या क्या आइडियल गैस को बता सकते हैं, तो चलिए देख लेते। जो मैंने ऑलरेडी जो तो क्वेश्चन बता रखे हैं दोस्तों, आप लोग उसको अच्छे से ध्यान करके नोट कर लीजिएगा और मुझे जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, आगे हम देखते हैं आइडियल गैस के बारे में और क्या क्या चीजें हम जान सकते हैं। तो दोस्तों, इन मोस्ट यूजुअल कंडीशन मोस्ट रियल गैसेस बिहेव क्वालिटेटिवली लाइक एन आइडियल गैस। ठीक है, तो जैसे कि बताया जा रहा है दोस्तों, हमारी बहुत सारी कंडीशन में हमेशा ही पॉसिबली चांसेस रहते हैं कि जितनी भी रियल गैसेस होती हैं उसको क्वालिटेटिवली जब उसको एक्सप्लेन करते हैं या फिर किसी दूसरी एक प्रॉपर्टी के अंदर उसको वेरीफाई करते हैं या फिर एक्सपेरिमेंट में देखते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा हम यही पाते हैं कि जो भी हमारी रियल गैसेस थी वो हमारी आइडियल गैस के रूप में बिहेव करती हैं। ओके, तो मेनी गैसेस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड सम हैवियर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी ट्रीटेड लाइक आइडियल गैस। ठीक है, मतलब हमारे पास जो कुछ गैसेस थी, ठीक है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ जो हैवियर गैसेस थी लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये सब जो गैसेस थी उनको हम ज्यादा से ज्यादा आइडियल गैस के रूप में देखते हैं, उसको हम एक्सपेरिमेंट में बताते हैं कि ये हमारी आइडियल गैस है। तो क्या वहां पे कंडीशंस क्या होती हैं, विथ रीजनेबल टॉलरेंसेस। ओके, कुछ ऐसे टॉलरेंस होते हैं जो हमें बता सकते हैं कि ये जो हमारी गैस है लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसको हम आइडियल गैस बोलते हैं। ठीक है, कुछ हमारी कंडीशंस के अंडर में। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोलता है। जनरली योर गैस बिहेव मोर लाइक एन आइडियल गैस एट हायर टेम्परेचर एंड लोअर टेम्परेचर। जनरली दोस्तों बोला जा रहा है कि हमारी जो गैसेस होती हैं ज्यादा से ज्यादा वो आइडियल गैस बोली जाती हैं, आइडियल गैस के तरीके से वो बिहेव करती हैं। कब? तो हायर टेम्परेचर और लोअर प्रेशर। ओके, जब हमारे पास हाई टेम्परेचर होगा और लो प्रेशर होगा तब हमारे पास जितनी भी गैसेस होती हैं 90% या फिर 90 to 99% वो एक आइडियल गैस के रूप में बिहेव करती हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अगर कहीं भी डाउट होता है तो उस पॉइंट पे जरूर पूछने की कोशिश कीजिए, कमेंट करके जरूर बताएं मुझे। ठीक है, आगे देखते हैं। एज द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिकम लेस। जो हमारा दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी था, जब मैं बोल रहा हूं कि जो हमारे जो पार्टिकल्स मूविंग पार्टिकल्स थे जब एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, कोलिजन हो रहा है उनके बीच, तो वहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जो हमारी जितनी भी एनर्जी वहां पे प्रोड्यूस हो रही है या फिर लॉसेस हो रहे हैं ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है दोस्तों, जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हमारा उनका फोर्स लगता है जो उनके लिए अट्रैक्टिंग या फिर डिस्ट्रैक्टिंग, रिपल्सिंग का जो काम करता है, ठीक है, तो उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। बिकम लेस सिग्निफिकेंट जब बहुत ही ज्यादा महत्व उसका कम हो जाता है, उसका जो सिग्निफिकेंस होता है वो कम हो जाता है कंपेयर्ड टू, तो हमारा वहां पे क्या होता है दोस्तों, तो हमारा वहां पे तो दोस्तों जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का के कारण जो हमारा इंटर मॉलिकुलर फोर्स था वो बहुत ही कम हो रहा था कंपेयर्ड विथ द पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी था वो काइनेटिक एनर्जी से कम हो रहा है। ठीक है, एंड द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स बिकम लेस सिग्निफिकेंट कंपेयर टू द एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम। यहां पे क्या बोल रहा है दोस्तों, जो हमारे साइजेस हैं मॉलिक्यूल्स के वो बहुत ही ज्यादा लेस सिग्निफिकेंट हो रहे हैं कंपेयर टू द एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम, वो जो उनके बीच में खाली जो स्पेस हो रहा है उसके कारण वो बहुत ही ज्यादा कंपेयर में वो कम सिग्निफिकेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखते क्या था। वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस हैज अ वॉल्यूम ऑफ 22.710947 लीटर्स। ठीक है, अगर एक मोल में हमारा जो आइडियल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो दोस्तों हमारा 22.710947 लीटर होता है। ठीक है, और एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होते हैं, टेम्परेचर ऑफ 273.15 केल्विन
ओके वो हमारा जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है इतना होना चाहिए एंड एन एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ एग्जैक्टली 10^5 पास्कल। ओके पास्कल हमारा दोस्तों प्रेशर का यूनिट होता है, इसको पीए से डिनोट करते हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, ये काफी एग्जाम्स में आते रहते हैं एज डिफाइंड बाई आईयूपीएसी सिंस 1982, ठीक है। तो दोस्तों ये एक केमिस्ट्री की एक हमारी काउंसिल है, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। ऐसे ही हमारी फिजिक्स के लिए आती है, हमारे यहाँ पर बस पी हो जाती है, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स, ठीक है। तो इन्होंने 1982 में ये डिफाइन किया था कि जो हमारा आइडियल गैस होता है 1 मोल में इतना वॉल्यूम होना चाहिए और इतना स्टैंडर्ड टेम्परेचर होना चाहिए और एब्सोल्यूट प्रेशर इतना होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स थी दोस्तों, आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगी आपकी कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आपका, फिर आपका जो कॉम्पिटिशन या फिर जो आपका सेमेस्टर एग्जाम आ रहा है उसके लिए, ठीक है। तो इसके आप कुछ टाइप्स के बारे में देख लेते हैं और अपना आइडियल गैस लॉ भी डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमारा आइडियल गैस लॉ क्या है, द आइडियल गैस लॉ इज द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस, ठीक है। जो हमारा आइडियल गैस लॉ है वो इक्वेशन ऑफ स्टेट है किसी आइडियल गैस के लिए, वो क्या लॉ है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। ये पांचों जो टर्म्स आपको दिख रहे हैं ये क्या क्या होते हैं दोस्तों, पी इज इक्वल टू प्रेशर होता है, ठीक है, और वी इज इक्वल टू वॉल्यूम, एन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ द गैस, इसको मोल में डिनोट किया जाता है, ठीक है, और जो आर हमारा दिख रहा है वो गैस कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है, इसको इजीली लिख सकते हैं 8.314 जूल केल्विन टू द पावर -1, ओके, और मोल टू द पावर -1, ठीक है, मतलब जूल पर केल्विन मोल, ठीक है। यहां केल्विन और मोल अगर ऐसे रहेंगे तो अगर इसको उधर ले जाते हैं तो यहां पे हटा के एक ये आ जाता है, ठीक है, एंड टी इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। द थ्री बेसिक क्लासेस ऑफ आइडियल गैस हम अब देखते हैं, ये तो था हमारा आइडियल गैस लॉ हो गया दोस्तों, अब हम देख रहे हैं हमारे आइडियल गैस की थ्री क्लासेस, बेसिक जो थ्री क्लास थी वो क्या क्या चीजें हैं। तो पहली जो क्लास है दोस्तों, द क्लासिकल और एमबी आइडियल गैस, एमबी मतलब मैक्सवेल बोल्ट्जमान, ओके, ये पहला जो टर्म है हमारा मैक्सवेल बोल्ट्जमान आइडियल गैस एक टाइप होता है। दूसरा क्या है, आइडियल क्वांटम बोस गैस कंपोज ऑफ बोसॉन्स, ठीक है। तीसरा क्या है, आइडियल क्वांटम फर्मी गैस कंपोज ऑफ फर्मियंस, ये तीन उसके टाइप्स है दोस्तों जो हमें काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा ही एग्जाम में आते रहते हैं और आपके जो सेमेस्टर के एग्जाम आने वाले हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप आइडियल गैस के बारे में जानते हैं तो इससे अच्छी आपको डिटेल नहीं मिलेगी, आई होप, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आई हो, और जो मैंने क्वेश्चन किया था उसको मैं अब डिस्कस करने वाला हूँ, जिन्होंने पंकज जी ने ये आंसर किया था उनका एक आंसर एग्जैक्टली सही है, उन्होंने दूसरे आंसर को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, सो मैं उसको यूज नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो हमेशा के लिए यूट्यूब पे रहेगी, तो अच्छे से अच्छा मैं सोचूंगा कि एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, अच्छे से अच्छा मटेरियल यूज करने की कोशिश करूँ, इसलिए मैंने दूसरा क्वेश्चन नहीं यूज किया। वो भी क्वेश्चन सही है लेकिन मुझे समझ नहीं आया या फिर आपने कंप्लीटली नहीं आपने सेंड नहीं किया है, मुझे दूसरा वाला क्वेश्चन ही आपका समझ में आ पा रहा है तो वही मैं यूज कर रहा हूँ, साइड में आपको दिख जाएगी क्या उसकी थी, ठीक है, तो उसके क्या सॉल्यूशन थे दोस्तों। तो थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद।